कांग्रेस के नेताओं और सैकड़ों समर्थकों ने सभी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ और प्रदेश बिगड़ती न्याय व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल ठाकुर की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ता पुराने बस स्टैंड से मिनी सचिवालय तक केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति को उपायुक्त सोलन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए आग्रह किया। इस मौके पर राहुल ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार चुनाव से पहले महंगाई को लेकर केंद्र की कांग्रेस सरकार को कोसती थी, लेकिन अब वे खुद सत्ता में है और महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। राहुल ठाकुर ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों से किए गए वायदे को पूरा नहीं करने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भारत की जनता को मोदी सरकार ने काफी लुभावने सवाल दिखाए थे और कहा था कि वह बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण कर आम आदमी को राहत प्रदान करेंगे, लेकिन आज महंगाई अपने चरम पर है। जिस तरीके से पिछले 4 साल से महंगाई की दरें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, इस तरीके से इन्होंने पिछले 4 सालों में कम 11 बार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम और रसोई गैस के दाम बढ़ाए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आज जो लोग अपना जीवन जो है त्राही त्राही करके जीने को मजबूर है, उसके तहत आज जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना ये रैली का आयोजन किया और इसमें मांग की गई है कि जो जरूरतमंद जो चीजें हैं उनके दाम जो है तुरंत भाव से जो है घटाए जाने चाहिए। जो मोदी जी ने जो लुभावने जो बोल जो गृहणियों को दिए थे कि उनकी जो महंगाई से उनको राहत दिलाई जाएगी और उनको महंगाई से जो राहत मिलेगी उससे उनका खर्चा कम होगा, वो खर्चा तो कम उनके ऊपर तिगड़ा बोझ जो है पड़ चुका है।